इंडिया के अंदर देखिए अगर मैं बात करूं तो दो टेलीकॉम कंपनियां सबसे बड़ी हैं, जो है जियो और एयरटेल। जियो के अगर मैं सब्सक्राइबर की बात करूं तो लगभग 44 से 45 करोड़ जो है इसके सब्सक्राइबर हैं, और दूसरे नंबर पर आती है एयरटेल जिसके लगभग 37 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद है वोडाफोन, उसके तो काफ़ी कम है, लगभग 23-24 करोड़ के आसपास, और उसके बाद है BSNL। तो इन कंपनियों को तो छोड़ दीजिए, मैं दो कंपनियों की ही बात करूंगा भाई, जियो और एयरटेल की, जिन्होंने यहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया है, जो कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च हो चुका था, लेकिन अब जो है 2024 स्टार्ट हो चुका है। मतलब पिछले लगभग 3 या 4 महीनों से, लगभग पिछले 6 महीने से लगा लीजिए, लगभग जो इनकी 5G सर्विसेज है हर जगह काम करना शुरू कर दिया है इन 5G सर्विसेज ने। और जो ये कंपनियां हैं अभी जो 5G दे रही हैं, अगर आप लोगों ने 4G प्लान कोई भी ले रखा है तो आप लोगों को 4G का जो रिचार्ज है उसी के साथ उसी कीमत में ही आप लोग 5G चला रहे हैं, मतलब मज़ा ले रहे हैं पूरे 5G सर्विस का, ठीक है। या फिर कुछ प्लान ऐसे भी हैं जिनके साथ जो है आप लोगों को अनलिमिटेड 5G दिया जा रहा है, अनलिमिटेड जो है आप लोग 5G यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई छोटा से छोटा प्लान है इनका, चाहे कोई बड़े से बड़ा प्लान है, मतलब अनलिमिटेड 5G यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए उसमें अगर आप लोगों को 20 GB या 2 GB पर डे या 3 GB पर डे जो है 4G मिल रहा है, तो उसके अंदर भी आप लोग जो है अनलिमिटेड जो है 5G यूज़ कर पा रहे हैं। तो अब दोस्तों आप लोगों को एक झटका लगने वाला है भाई, अब ये कंपनियां जो है बहुत जल्द ये अनलिमिटेड 5G सर्विस बंद करने जा रही हैं। जी हाँ, इसी साल 2024 के लगभग दूसरी तिमाही में भाई, ठीक है। तो ये मतलब जून जुलाई के बाद भाई अगस्त सितंबर में दोस्तों ये सर्विस जो है बंद कर, उससे पहले भी हो सकता है, तो उससे जो है सर्विस बंद कर दी जाएगी। और जो इसके प्लान्स होंगे, जो आपको 4G के जो अभी प्लान्स देखने को मिल रहे हैं, उससे कुछ महंगे होंगे भाई, ठीक है। सेम 4G रिचार्ज प्लान में आपको 5G की सर्विस देखने को नहीं मिलेगी, 5G के रिचार्ज देखने को नहीं मिलेंगे, उससे कुछ महंगे होंगे। और इसके साथ साथ इन टेलीकॉम कंपनियों ने ये भी कह दिया है कि सितंबर 2024 तक जो प्लान अभी चल रहे हैं 4G के, वो भी महंगे होंगे, लगभग उनका भी प्राइस जो है 10 से 20% बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है जी। 10 से 20% जो है उनमें भी बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे जो है आप लोगों ने, उन्होंने कह दिया है कि हमें 5G लॉन्च करने में काफ़ी जो है कॉस्टली पड़ा है भाई, काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो ये जो है जो पूरा करना है अभी उनको, वो अपने कस्टमर से ही पूरा करेगा, और इसीलिए जो ये 4G प्लान्स है वो भी महंगे होंगे, और साथ साथ में जो 5G रिचार्ज प्लान लॉन्च होंगे वो 4G से अलग लॉन्च होंगे, वो उससे महंगे होने वाले हैं। जो जिस तरह से अभी आप लोग देख रहे होंगे 4G प्लान में ही 5G यूज कर पा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होंगे, 5G के प्लान अलग होंगे और 4G के प्लान्स अलग होंगे भाई, ठीक है। और रिचार्जेज में भी बढ़ोतरी होने जा रही है भाई। तो एक अभी जो है लत जो आप लोगों को लग गई है अनलिमिटेड 5G की, तो थोड़ा रुक चाहिए भाई, ज़्यादा यूज़ ना करिए इंटरनेट को, क्योंकि ये लत जो है जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में आप लोगों को महंगी पड़ने जा रही है। मैं तो यही कहूँगा भाई, बहुत महंगी पड़ने जा रही है, क्योंकि अगर रिचार्ज प्लान इतने महंगे हो गए 5G के, अगर आप लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए, आप लोगों का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो भी आप लोग क्या करेंगे इस 5G प्लान्स के, ठीक है। तो इसीलिए इंटरनेट थोड़ा कम चलाइए, ताकि आप लोगों की ये आदत थोड़ी कम हो गई, ठीक है। सो अपडेट ये, अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, धन्यवाद।